हेलो एवरीवन आज जो है हम अपने स्ट्रिंग के आगे के फंक्शंस करेंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड आज जो हम पहला करेंगे वो है आपका स्ट्रिंग रिप्लेस तो स्ट्रिंग रिप्लेस का क्या काम होता है आप किसी एक कैरेक्टर को उस स्ट्रिंग में रिप्लेस करना चाहते हैं किसी और कैरेक्टर से तो आप कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मेरी ये वाली स्ट्रिंग थी तो इसमें मैंने क्या करा है एक्स को ए से रिप्लेस करना चाहती हूँ तो मैंने क्या किया एस डॉट रिप्लेस एक्स और फिर कॉमा a तो अब क्या होगा ये जो x होगा आपका a से रिप्लेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका मलयालम जो है वो आपका आउटपुट आ जाएगा ठीक है मलयालम जो है आपका आउटपुट हो जाएगा क्योंकि मैंने इस वाली स्ट्रिंग में एक्स को ए से करवा लिया तो मतलब पहले आपको क्या लिखना है जिस कैरेक्टर को आप रिप्लेस कराना चाहते हैं कॉमा जिस कैरेक्टर से रिप्लेस कराना चाहते हैं वो लिखना है तो इस तरीके से जो है ये रिप्लेस फंक्शन काम करता है रिप्लेस फंक्शन केवल एक कैरेक्टर के लिए नहीं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स के लिए भी काम करता है जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया विनी इन अ बॉटल तो आप विनी को जो है चेंज करा सकते हैं जिनी से कैसे विनी लिखिए स्ट्रिंग है ठीक है तो विनी तो एक स्ट्रिंग है तो डबल कोर्ट्स में कॉमा जिनी तो अब क्या हो जाएगा आपका आउटपुट जिनी इना बॉटल हो जाएगा ठीक है तो आप जो है स्ट्रिंग फंक्शन एक कैरेक्टर को और क्या कहते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को चेंज करने के लिए रिप्लेस कराने के लिए जो है यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट तो जो है आपका फंक्शन जो है वो आता है वो है कॉन्ड तो कॉन्कैड फंक्शन का जो है वो ये काम होता है कि वो दो स्ट्रिंग्स को जोड़ता है फॉर एग्जांपल मेरे पास स्ट्रिंग पी है भूसान और स्ट्रिंग एस है कोलकाता तो अब मेरे को भूसान कोलकाता को जोड़ना है तो कैसे कर सकती हूँ एस डॉट concat पी मतलब एस हमारी कौन सी है कोलकाता को भूसान से जोड़ दो ठीक है तो ये क्या हो जाएगा कोलकाता भूसान तो दोनों आपके जुड़े हुए आ जाएंगे इस तरीके से स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन जो है वो हमारा काम करता है आप स्ट्रिंग को जो है प्लस साइन के द्वारा भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं जैसे कैसे मैंने यहाँ पर तीन स्ट्रिंग ली है पी पी वन और पी टू यहाँ पे मैंने लिया राजू लाइक्स कंप्यूटर अलग अलग लिया अब मैं क्या करूँगी स्ट्रिंग पी थ्री पी प्लस पी वन प्लस पी टू तो इस तरीके से जो है वो तीनों हमारी जुड़ जाएंगी तो राजू लाइक्स कंप्यूटर आपकी आउटपुट आ जाएगी आप इसी फंक्शन को जो है क्या कर सकते हो कैरेक्टर को जोड़ के एक स्ट्रिंग बना सकते हो जो कि फंक्शंस जो है इसके बहुत यूज़फुल फंक्शन है और आपके प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा काम आता है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने दिया है कैरेक्टर सी एच वन सी एच टू सी एच सी आई पी एल अलग अलग कैरेक्टर लिए सिंगल कोर्स में अब मैंने क्या लिया स्ट्रिंग सी एच फोल्ड ली और इन तीनों को जोड़ दिया क्योंकि जब ये जुड़ जाएंगे तो आपकी क्या मिलेंगे एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग बनेगी तो ये क्या आ जाएगा आई पी एल तो आपकी आउटपुट आ जाएगी इस तरीके से आप कैरेक्टर्स को जोड़ सकते हैं आप स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं ठीक है रिमेंबर इट जब कैरेक्टर को ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रिंग बनेगी तो इसलिए मैंने यहाँ पर डेटा टाइप स्ट्रिंग लिया है नेक्स्ट जो आपका फंक्शन आता है वो आता है ट्रिम फंक्शन कैसे काम करता है ट्रिम फंक्शन का ये काम होता है वो लीडिंग और ट्रेलिंग ब्लैंक्स को रिमूव करता है मतलब आगे वाला किसी स्ट्रिंग के और पीछे वाला ब्लैंक उनको जो है रिमूव करने में मदद कर देता है जैसे कि मैंने यहाँ ली थी अपनी एस तो उसमें था बीटल्स अब बीटल्स के आगे और पीछे दोनों जगह जो है हमारी स्पेस है तो मैं क्या लिख सकती हूँ एस डॉट ट्रिम तो क्या हो जाएगा ये स्पेस जो है आपकी रिमूव हो जाएगी मैंने इसको प्रिंट भी करवाया जैसे मैंने एस को और पी को दोनों को प्रिंट करवाया तो आपके आउटपुट पहले की क्या आएगी जो पहले वाली थी वो स्पेसिस के साथ थी तो इस तरीके से बीटल्स आएगा लेकिन जब आप उसको ट्रिम कर देंगे तो आगे वाला और पीछे वाला ब्रेस हटने के बाद बीटल्स इस तरीके से प्रिंट होगा ठीक है आई होप मेरे को आपको जो है ये समझ में आ गया होगा अब नेक्स्ट जो है वो आपका कौन सा आता है बुल एंड एंडस स्ट्रिंग एस तो ये क्या करता है ये पता लगाता है कि क्या आपकी स्ट्रिंग उस वाली स्ट्रिंग से एंड हो रही है कि नहीं जैसे कि मेरे पास है यहाँ पर स्ट्रिंग एस इंडिया विल बिन तो यहाँ पे मैंने दिखाया एस डॉट एंड्स विथ ठीक है तो मैंने विन लिया तो अब वो देखेगा बुलन है तो बुलन कैसे आंसर देता है येस और नो में मतलब ट्रू और फॉल्स में जो है वो आंसर देता है तो विन तो विन में देगा तो हाँ भाई वो तो विन से एंड हो रही है हमने पूछा उससे क्या वो हो रही है तो वो क्या दे देगा आपको ट्रू दे, दे देगा वो क्या रिटर्न करेगा आपको ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि वो ट्रू हो रही है अगर मैं यहाँ विल दे, दे देती तो फॉल्स आ जाता क्योंकि वो जो है फॉल्स हो जाता क्योंकि उससे तो वो स्ट्रिंग हमारी एंड नहीं हो रही है ऐसे ही जो है हमारा अगला जो फंक्शन आता है वो होता है बुलन स्टार्ट विद तो ये पता लगाता है कि क्या जो है हमारी स्ट्रिंग जो हमने स्ट्रिंग दी है उससे हो रही है स्टार्ट की नहीं जैसे मैंने दी स्ट्रिंग वी इक्वल्स टू आई एम अ गुड बॉय ठीक है फिर मैंने दी बुलन वी आर तो बुलन वो पूछेगा वी स्टार्ट्स विद क्या ये वी जो है स्ट्रिंग किम से स्टार्ट हो रही है तो नहीं हो रही है तो ये क्या कर देगा फॉल्स रिटर्न कर देगा ठीक है तो इस तरीके से जो है स्टार्ट विद और एंड्स विद जो है काम आते हैं अब ये है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका फंक्शन है बुलन इक्वल स्ट्रिंग तो ये क्या पता लगाता है ये पता लगाता है कि क्या दो स्ट्रिंग इक्वल हैं कि नहीं ठीक है अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या दिया है कंप्यूटर दिया और कंप्यूटर ही दिया एक बड़े इस तरीके से मैंने जो है वो दिया है सी यहाँ कैपिटल है बाकी सब तो छोटा है लेकिन यहाँ पे सी भी स्मॉल है अब मैं पता लगाऊंगी क्या एस इक्वल टू एस वन है नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है कैरेक्टर डिफरेंट हो गए जब आप इक्वल्स केस यूज कर रहे हैं तो वो हर एक एस एस्पेक्ट में इक्वल होने चाहिए हर एक एस्पेक्ट में इक्वल होने चाहिए मतलब यहाँ पर जब तक सी छोटा नहीं होता तब तक ये बराबर नहीं होती तो क्या हो गया फॉल्स हो गया मतलब इक्वल का मतलब क्या होता है एकदम बराबर होनी चाहिए ना चीज़ कोई अंतर नहीं होना चाहिए तो ये जो है वो फॉल्स हो गई अब देखते हैं अब इससे जो है रिलेटेड फंक्शन आता है इक्वल्स इग्नोर केस इक्वल्स इग्नोर केस में क्या होता है सेम कैरेक्टर जो होते हैं उनका कैपिटल जो कैपिटल उसका होगा और जो उसका लोअर केस होगा उस लेटर का उसको इग्नोर कर देते हैं जैसे यहाँ पे मैंने कंप्यूटर कैपिटल में ली और यहाँ पे मैंने लोअर केस लेटर्स ले लिए उसके अब मैं दिखाऊंगी पी डॉट इक्वल्स इग्नोर केस मतलब इग्नोर कर दो कि वो बड़े छोटे हैं अब उस मैंने कंपेयर करा क्या पी जो है पी टू के बराबर है तो अब क्या दे देगा ये ट्रू जो है वो रिटर्न करवा देगा क्योंकि क्या करा है उसने इग्नोर केस लिखा है अगर आप केवल इक्वल्स लिखते हैं, तो फॉल्स आता क्योंकि इक्वल्स में वो हर एक एस्पेक्ट में सेम होनी चाहिए थी लेकिन यहाँ पर इक्वल्स इग्नोर केस लिखा है तो वो क्या करेगा इग्नोर कर देगा जो सेम कैरेक्टर्स हैं ठीक है जो सेम आपके लेटर्स से हैं उनको इग्नोर करेगा अलग अलग तो वो फॉल्स ही देगा ठीक है नेक्स्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है इंट कम्पेयर टू अब कम्पेयर टू का मतलब क्या होता है ये जो है केवल चेक नहीं करती इक्वालिटी के लिए लेकिन ये भी बताती है कि कौन सी स्ट्रिंग जो है वो बड़ी है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रिंग वन जो है अगर जो है आपकी आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर वो ज़ीरो से बड़ी आती है ये इंट में काम करती है अगर वो ज़ीरो से बड़ी आती है तो, तो पहली वाली जो स्ट्रिंग है वो बिगर है ठीक है अगर वो ज़ीरो से कम आती है तो पहली वाली स्ट्रिंग जो है वो छोटी है अगर वो जीरो के बराबर आती है तो दोनों की दोनों स्ट्रिंग जो है वो सेम है इसमें क्या होता है वो उनकी एसकाई वैल्यूज़ को जो है वो कंपेयर करती है एस्काई वैल्यूज़ आपको पता होंगी लोअर केस लेटर और अपर केस लेटर्स की जो है वो होती हैं एस्काई वैल्यू जो लोअर केस लेटर की होती है वो नाइन्टी सेवन से स्टार्ट होती है और जो अपर केस लेटर्स की होती है वो आपकी सिक्सटी फाइव से स्टार्ट होती है तो जैसे मैंने यहाँ पर दो स्ट्रिंग ली एस और एस वन मैंने लिया यहाँ पर फेक और रियल तो यहाँ पर वो क्या देखेगा जहाँ पर भी जो है उसे अलग दिखेगा उनको जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देगा कंपेयर करता चलेगा जैसे f की जो है वो कैपिटल f की सेवेंटी होती है वैल्यू और r की होती है एट्टी टू तो जब वो फ़र्स्ट वाली से दूसरी वाली को करेगा तो माइनस ट्वेल्व आएगा ठीक है नॉर्मल मैथमेटिक्स लगानी है तो क्या होगा पहली वाली स्ट्रिंग वो क्या बताएगा कि वो छोटी है और ये कैसे काम करेगा मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ देख सकते हैं मैंने लिया इंट एल क्योंकि एल जो है वो किस में दे रहा है इंटीजर में आउटपुट देगा तो एस डॉट कम्पेयर टू एस वन तो एल इक्वल्स टू माइनस ट्वेल्व आया क्योंकि सत्तर में से जब एट्टी टू माइनस होंगे तो वो माइनस ट्वेल्व देगा तो पहली वाली स्ट्रिंग मतलब फेक जो है वो स्मॉल आ गई फिर उसके बाद आता है वैन द कैरेक्टर्स आर फाउंड डिफरेंट तो जब कैरेक्टर्स जब फाउंड जो है वो डिफरेंट होते हैं तो डिफरेंस ऑफ देयर एसकाई कोर्ड्स इज़ डन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं एम ई जी एच ए मेघा लिया और मैंने एम ई जी एच ए दोनों मेघा ही लिया लेकिन यहाँ स्मॉल में लिया है तो जब मैंने यहाँ पर जो है इसको स्मॉल में लिया फिर मैंने इसको कंपेयर कराया कैपिटल ई की वैल्यू सिक्सटी नाइन होती है और स्मॉल ई e की वैल्यू जो है वो हंड्रेड होती है तो अब जब वो इसको सिप्ट्रैक करेगा तो क्या आ जाएगा माइनस थर्टी वन जब मैं लिखूंगी एक्स डॉट कम्पेयर टू वाई तो क्या हो जाएगा फर्स्ट वाली स्ट्रिंग जो है वो स्मॉलर हो जाएगी अगर मैं इसको लिख देती हूँ वाई डॉट कम्पेयर टू एक्स तो जो फर्स्ट जो आपकी सेकेंड वाली स्ट्रिंग है तो प्लस थर्टी वन आंसर आएगा तो वो वही देगा कि वाई वाली जो है वो ग्रेटर हो जाएगी अब इसमें जो है जब आप इग्नोर केस का लगाते हैं फंक्शन तो क्या होता है जो सेम होंगे कैरेक्टर्स उनको जो है वो इग्नोर कर देगा तो जब मैं अगर कैपिटल में लूँगी तो स्मॉल में लूँगी तो वो क्या हो जाएगा उसको ज़ीरो दे देगा इग्नोर कर देगा क्योंकि वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग